हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आज की वीडियो में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारे किसान भाई अपने गन्ने की लंबाई मोटाई किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, अब हमारे किसान भाइयों के गन्ने में किसान भाइयों ग्रोथ पूरी हो चुकी है। किसान भाइयों गन्ने में टेयर्स की मात्रा पूरी हो चुकी है, तो हमारे किसान भाई इस टाइम चाह रहे हैं कि उनके गन्ने की लंबाई और मोटाई अच्छी हो सके। तो ऐसे में हमारे किसान भाई किस टेक्निकल का प्रयोग करें जिससे कि उनके गन्ने में एक शानदार लंबाई और मोटाई देखने को मिल सके। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों को इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो चालू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। किसान भाइयों, गन्ने की लंबाई मोटाई बढ़ाने के लिए जो हमारे किसान भाइयों को जो टेक्निकल लेना है, उसमें जो नंबर एक पर जो किसान भाइयों आता है, वह किसान भाइयों जिब्रेलिक एसिड यूज करना रहेगा। किसान भाइयों जिब्रेलिक एसिड के यूज के लिए किसान भाई आप प्रोजीव किसान भाइयों आता है किसान भाइयों, वह प्रोजीव जो 5 ग्राम किसान भैया सीसी होती है। इसके साथ किसान भैया एक आपको अल्कोहल की पुड़ी मिलेगी किसान भैया, एक पाउच होता है किसान भैया अल्कोहल का, इसको आपको किसान भैया जो ये प्रोजीव होता है इसका किसान भैया डिब्बे में किसान पाउडर फॉर्म में आता है किसान भैया, इसमें घोल के किसान भैया इसको एक सीसी किसान भैया एक टंकी में लेनी होगी किसान भैया। आपकी यह 6 सीसियाँ किसान भैया 6 रहेंगी एक एकड़ के लिए किसान भैया, यानी कि 30 ग्राम किसान भैया प्रोजीव आपका किसान भैया जिब्रेलिक एसिड किसान भैया आपके एक एकड़ की डोज में रहेगा किसान भैया। और इसके साथ साथ किसान भाइयों को जो दूसरा किसान भाई जो टेक्निकल लेना है किसान भाइयों, वह किसान भाइयों आपका सिजेंटा कंपनी का क्वांटिस किसान भाई लेना रहेगा। क्वांटिस किसान भाइयों इसलिए लेना रहेगा क्योंकि किसान भाई क्वांटिस आपका जो गन्ने में किसान भाई ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है किसान भाइयों। अगर जैसे किसान भाई आप अपने खेत में जिब्रेलिक का प्रयोग करेंगे तो किसान भाई आपका जो गन्ना है एकदम से बढ़वार पर आ जाएगा, और उस समय किसान भाई आपके गन्ने के खेत को भोजन की बड़ी मात्रा पर जरूरत पड़ेगी किसान भाई, पोषक तत्वों की अधिक मात्रा में जरूरत पड़ेगी। तो किसान भाई जो क्वांटिस है किसान भाई गन्ने में आपके पोषक तत्वों की पूर्ति करेगा, गन्ना किसान भाई आपका पीला नहीं पड़ने देगा। क्योंकि किसान भाई ज़्यादातर देखा गया है कि जहाँ पर हमारे किसान भाई सिंगल ही किसान भाई जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग कर देते हैं अपने गन्ने की फसल में, वहाँ पर किसान भाई उनका गन्ना पीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि किसान भाई गन्ना एकदम से अपने बढ़वार पर आ जाता है किसान भाई, लंबाई पर पकड़ लेता है और उसके जो किसान भाई उसमें जो भोजन की मात्रा है वो कम पड़ जाती है। तो यहाँ पर जो क्वांटिस है किसान भाई ये उसकी भोजन की मात्रा को पूरी करेगा। और इसके साथ साथ अगर हमारे किसान भाई 19.0052 का किसान भाई प्रयोग कर रहे हैं 0.5234 का, तो और भी अच्छा किसान भाइयों को रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इन तीनों ही चीज़ों को किसान भाइयों को मिलाकर किसान भाई अपने खेत में स्प्रे कर देने तो बहुत ही तगड़ा है हमारे किसान भाइयों को रिजल्ट मिलेगा, और उसके साथ साथ किसान भाइयों को मोटाई भी अपने गन्ने में एक अच्छी देखने को मिलेगी। 3 चीज़ें यहाँ पर लेनी है हमारे किसान को, एक तो किसान भाइयों को प्रोजीव किसान भाई जिब्रेलिक एसिड आता है किसान भाइयों ये लेना है, और किसान भाई दूसरा क्वांटिस जिसकी मात्रा किसान भाइयों को 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है, और तीसरा 0.0534 इसकी मात्रा किसान भाई को 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी रहेगी किसान भाइयों। या तीनों चीज़ों को किसान भाइयों एक टंकी में मिला के किसान भाइयों को स्प्रे कर देनी है। या ध्यान देने योग्य बात है किसान भाइयों को जो 0.5234 इसका गोला अलग और क्वांटिस का घोल अलग, और किसान भैया जो आपका जो जो प्रोजीव है किसान भैया तो अलग ही किसान भैया आपका जो छोटे पाउच में 5 ग्राम की सीसी में आता है वो डायरेक्टली आप सीसी उसको आपको एक टंकी में डालकर आप अपने खेत में स्प्रे कर दें, तो किसान भैया आपको बहुत ही अच्छा और शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपके गन्ने की शानदार लंबाई जाएगी, शानदार मोटाई आएगी किसान भैया आपके गन्ने के खेत में। किसान भाइयों, उम्मीद है वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी, और वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।